उत्तराखंड में क्या होगा। जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं एक्सेस माय इंडिया टुडे, इंडिया टुडे जो पोल है उसके नतीजे क्या बताते हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हरीश रावत को उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया था, लेकिन इस बार उनकी नियति क्या तय होती हुई दिख रही है वोटों के जरिए। तो सीधे हम आपको दिखा रहे हैं सीट भारतीय जनता पार्टी को, 46 से 53 सीटें जाती हुई दिख रही है, 70 में से ये बहुत करीब है सत्ता पर काबिज होने के। और कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई 12 से 21 सीटों में, यानी हरीश रावत के लिए अच्छी खबर नहीं सुनाई दे रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त पर उन्हें बचा लिया था वो कम से कम इस एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती भी वहां पर लड़ती हैं चुनाव, 1 से 2 सीटें वहां पर आती हुई, बहुत ज्यादा इन्होंने कभी वहां नहीं किया है। लेकिन हरीश रावत के लिए बहुत बड़ा झटका ये होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें बचा लिया लेकिन जनता की अदालत में फेल होते हुए दिखाई दे रहे। रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो कई नतीजे बाकी हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक .in और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।